बाईपोल इलेक्शन रिजल्ट को लेकर देश में सबसे ज्यादा दिलचस्पी घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर है, जहां से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हार रहे हैं। दारा के मुकाबले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 16 राउंड की गिनती होने तक 22,132 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से विधायक बने दारा सिंह चौहान अभी कुछ दिन पहले से ही फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। पहले ऐसी चर्चा थी कि वह चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अपनी जीती हुई सीट पर ही दारा सिंह को पिछड़ जाने का क्या कारण रहा, आइए आपको बताते हैं। पहली योगी सरकार में दारा सिंह कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनने से निराश दारा सिंह फिर बीजेपी में आ गए। आने के कुछ दिन बाद ही उन्हें बीजेपी में घोसी से टिकट दे दिया गया। दरअसल ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि दारा सिंह के समर्थक आम जनता को यह पता ही नहीं चल पाया कि कब वह समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। घोसी के निवासी आरपी राय कहते हैं कि बीजेपी को उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए। कुछ दिन बीजेपी के झंडे बैनर लगाकर उन्हें क्षेत्र में घूमने फिरने का मौका मिल गया होता। 2009 में दारा सिंह के बीएसपी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे, पर 2014 में बसपा को टिकट पर लोकसभा पहुंचने से वंचित रह गए। देश में सियासी तापमान को भापने में माहिर दारा ने 2015 में भाजपा ज्वाइन कर लिया। 2017 में चुनाव के पार्टी में मधुबन विधानसभा से टिकट दिया और विधायक ही नहीं मंत्री भी बने। 2022 में सियासी तापमान भापने में गलती हो गई, समाजवादी पार्टी से विधायक तो बन गए, सरकार ना बनने से मंत्री नहीं बन पाए। आइए आपको बताते हैं कौन है दारा सिंह चौहान। घोसी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की पहचान एक दबंग नेता की है। वे नौनिया चौहान नामक पिछड़ी जाति से आते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में एक दल और दूसरे दल में तेजी से आवाजाही के कारण अब उनकी छवि एक दल बदलू नेता की बन गई है। वे यूपी के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का हिस्सा रह चुके हैं। कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू करके वे बहुजन समाज पार्टी से सपा और फिर भाजपा में आए। इसके बीच एक बार फिर भाजपा छोड़ी और उसे दोबारा ज्वाइन किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक दारा सिंह चौहान पर कई आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, उन पर चोरी डकैती से भी जुड़े आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।